हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चंदन और आज का सफ़र होने वाला है हैदराबाद टू बेंगलोर बाय KSRTC हैदराबाद क्लब क्लास में। और इसी सफ़र में हम कवर करेंगे 570 किलोमीटर विद इन 9.30 आवर्स में। और बस की टाइमिंग की बात करूं तो ये महात्मा गांधी बस स्टैंड हैदराबाद से शाम को 6:05 में छोड़ेगा और ठीक 570 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ठीक जाके 3:40 पर मैसूर सेटेलाइट बस स्टैंड बेंगलोर में पहुँचाएगा। और ये पीछे दोस्त देखिए, मैं अभी खड़ा हूँ महात्मा गांधी बस स्टैंड हैदराबाद पर। और हैदराबाद टू बेंगलोर के लिए मैं पे किया हूँ लगभग 1105 रुपीज़ फॉर हैदराबाद क्लब क्लास सेमी स्लीपर में। और अगर आप हैदराबाद टू बेंगलोर जाते हो तो आपके पास KSRTC का AC का दो ऑप्शन है, एक सेमी स्लीपर है हैदराबाद क्लब क्लास, उसका फेयर आपको 1100-1300 के बीच में आएगा। और एक स्लीपर है अंबारी ड्रीम क्लास, उसका फेयर आपको 1500 से लेकर 1700 तक आएगा फ्रॉम हैदराबाद टू बेंगलोर। अभी टाइम हो रहा है 5:21 से और दोस्त के ऊपर में मेट्रो आ रहा है, हैदराबाद मेट्रो। और ये KSRTC का हैदराबाद क्लब क्लास लगा हुआ है। वो जो बीच वाला है वो 5:15 को था, अभी तक नहीं गया है। तो मैं भी ये वाला हम लोग का होगा 6:05 का हैदराबाद क्लब क्लास। 5:15 का बस जा रहा है। ये वाला हम लोग का होगा सर। ये वाला 6:05 का है स्कानिया। और यह है सीट 2x2 और यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट दिया गया है। और ये टीवी का स्पीकर है, AC वेंडर। और यहाँ पर रीडिंग लाइट।
टाइम रहा 8:30, अभी लॉन्च हल क्लियर रुका है। ये वाला जो 5:30 को छोड़ा था, ये और जा रहा है और अभी आएगा हम लोग का बस पहुँचा है। उडीपी प्योर वेज और ये अभी होटल पे बना हुआ है।
और ये है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिलहाल अभी मैं हूँ मैसूर सेटेलाइट बस स्टैंड बेंगलुरु पे, और पहुँचने का टाइम था 3:40 और अभी बज रहा है 5:10 और ऑलमोस्ट 1.30 आवर्स का लेट है। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ मैजेस्टिक बस स्टैंड, और मैं सुबह 7 या 20:25 को मेरा बस का जर्नी होने वाला है बेंगलोर टू तिरुपति बाई के SRTC क्लॉक प्लस में। अगर आप चैनल में नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मेरे को जरूर वीडियो के कमेंट में बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मिलता हूँ एक नया ब्लॉग और एक नया जर्नी के साथ, तभी के लिए रहता हूँ, नमस्ते।